अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली बोबले के लिए बना रही हूँ। सुन बोबले ध्यान से, ये क्या कर रहा है पता है? कि हम सबके चैनल पर कार्य कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत की थी मेरे चैनल से, मेरे चैनल से ऑटोमेटिकली कमेंट डिलीट हो जा रहे थे, मेरे चैनल पर कोई लॉग इन कर रहा था, मेरे चैनल का एक्सेस मेरे पास से चला गया था। बहुत मुश्किल से वो एक्सेस मैंने लिया था, आप लोगों को बताया भी था। अब क्या हो रहा पता है क्या? मैं डेली ब्लॉग भी डाल रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी डाल रही हूँ और उसके माँ के लिए भी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं डाल रही हूँ ना कि मेरे जो व्लॉग वगैरह डाल रही हूँ वो नॉर्मल है, उसमें ग्रीन कलर का डॉलर आ रहा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी मेरा चैनल में उसमें इतना सत्यानाश इतना कार्य कर रहा है मेरे चैनल पे, नाजो के चैनल पे, हिमाचली के चैनल पे, नूरअपा का मुझे पता नहीं है, उससे मेरी बात नहीं होती तो उसका मुझे पता नहीं है, आई एम श्योर नूरअपा का भी होगा। हम तीनों को चैनल पे वीडियो डालते हैं, येलो डॉलर आ जा रहा है। चैनल पे कोई और लॉग इन कर रहा है, मेरे चैनल पे तो 2 महीने पहले किसी और ने लॉग इन किया, फिर मेरे पास तो एक्सेस चला गया था, फिर आज नाजो के चैनल पे कोई लॉग इन कर रहा है। ये जो तो कांड कर रहा है ना बेटे, तुझे अगर लग रहा है कि तुझ जैसा जो बाइला है छक्का है, मैं तेरे को छक्का ही बोलूंगी तेरे को, ये तू जो ये डाइट वाला खाना खा रहा है, तू डाइट वाला तो खाना खाता नहीं, बाहर का खाना ही ठूसता है, सांडे जैसा दिखता है, तेरा कोई बॉडी तो है नहीं, कोई बॉडी नहीं है, बॉडी में ना तेरे कट है ना कुछ है, ढोल जैसा तेरा पेट है और सांडे जैसी तेरी बॉडी है। अगर तुझे लगता है ना बोबले कि तू हमारा चैनल बंद करवा सकता है, इतना तू एजुकेटेड हो गया, तो बेटे चड्डी से बाहर निकल, सॉरी चड्डी से नहीं डायपर से बाहर निकल। तेरी माँ जो है ना वो, मैं बच्चों के सामने अभी मुंह ख़राब नहीं करना चाहती, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ है क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ उसकी माँ का, जो भी वीडियो डाल रही हूँ चारों वीडियो में, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगी, चारों वीडियो में येलो साइन आ रहा है। वो जो उंगली कर रहा है ना, उंगली करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब तेरा बाप नहीं है और यूट्यूब का जो मालिक है ना उसको तेरी माँ रिझा तो बिल्कुल भी नहीं पाएगी, तेरी माँ की इतनी औकात नहीं है कि तू हमारा चैनल बंद करवा पाएगा। लेकिन हाँ, दुश्मन टक्कर का मोड़ ली और तेरी माँ जिसको टकली बोल रही है, अनपढ़ बोल रही है, फिर सना भाभी को क्या बोल रही है, झोपड़पट्टी की, तो तेरी माँ कौन सी राजमहल साहिब है? तेरी माँ जो यहाँ पे कैमरा लेके बन के बड़ी हीरोइन बन रही थी, कल जब प्रीमियर हुआ भर भर के तो लोग गाली ही दे रहे थे तेरी माँ को, कमेंट पे भी तुम लोग गाली छिड़े थे तेरी माँ को, क्या लगता है सब करके व्यूज कमा लेगी, सर्वाइव कर लेगी, दुकान तो तेरी माँ की ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे, तो झोपड़पट्टी की ना तेरी माँ की थी। और तेरी माँ जो है ना खुद को अगर बहुत क्लासी समझती है ना, तो अभी भी तेरी माँ झोपड़पट्टी की ही है। और सना भाभी कभी बोलती नहीं है कि मैं बहुत हाईफाई हूँ, बहुत क्लासी हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, वो हमेशा बोलती कि भाई मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं एक बहुत सिंपल सी इंसान हूँ, ठीक है। और हसा वाले इमरान भाई को हाफ बिरयानी बोलने का, तो पहले तू तो मर्द बन जा, तेरी माँ तेरे को तो मर्द बना दे, वो तो एटलीस्ट बिरयानी है हाफ हो फुल हो, तू तो बिरयानी का चावल भी नहीं है, तो अभी भी जो चड्डी जो पहनता है ना, जो डायपर सू पहनता है, वो माँ के पैसों का पहनता है, खुद तो वीक लगा के घूमती है टकली चौधरी, और रिहाना आंटी को बोलती है टकली जाहिर, खुद को तेरी माँ को आता क्या इंग्लिश बोलना? ये जो कलाकांडी कर रहा है ना तू, अभी कुछ भी नहीं होने वाला, यूट्यूब तो हमारा चैनल उड़ाएगा नहीं, यूट्यूब हमारा चैनल उड़ाएगा, सबसे पहले तेरी माँ की चैनल उड़ाना चाहिए, क्योंकि तेरी माँ की चैनल पे नंगा पंथी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंगी पंथी है। लेकिन ये जो कार्य तू कर रहा है ना बेटे, मैंने सोचा था कि भाई मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी, मैं इन सब चीज़ों से भी दूर हट जाऊँगी, लेकिन नहीं बेटा, तुम लोगों को तो अब छोड़ने वाली तो मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली अंत तक, चाहे सना भाभी आज बोल के कल खत्म हो जाए, तेरी माँ से माफी मांग ले और तेरी माँ को वो लोग माफ कर दे, लेकिन मैं जो है ना, तो तेरी माँ को जो है ना, तेरी माँ की धज्जियाँ उड़ाना मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रही थी, मैं नाजो को सिर्फ बोल रही थी नाजो ऐसा हो रहा है या नाजो वैसा हो रहा है, नाजो मुझे दिलासा दे रही थी कोई ना बहन ठीक हो जाएगा, बहन ऐसा करके दे वैसा करके दे, मैं साम नाम दंडे भेद हर चीज कर लिया, हर चीज कर लिया, लेकिन तू अपनी नंगापंथी से बाज नहीं आ रहा, तो तू बेटा नंगापंथी से बाज नहीं आ रहा, तो तेरी माँ को भी मैं पूरा फुल लॉन नंगा करके छोड़ दूंगी बेटा। तेरी माँ जो अभी सम्मू से मिली हुई है ना, सम्मू से हाँ हेलो ये वो जो बातें हो रही ना तेरी माँ की और सम्मू की, काफी महीनों से सना भाभी ने इस बारे में बोला था, मैंने भी इस बारे में बोला था, फिर बाद में हम शांत हो गए थे, मैंने जान दो जो यूट्यूब में है ही उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन तेरी माँ जो बेंगलोर में अभी जो बात हो रही ना, हाँ हेलो ऐसा प्लानिंग वैसा प्लानिंग, उसको जो मुंह बंद करवा के रखी ना बेटा, तेरी माँ की हर एक कुंडली सबको पता है और सबके पास है, और तुम लोगों का जो है ना, तेरी माँ बोली इधर सीसीटीवी है, उधर ये है फलाना डिब्बा, कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकती तेरी माँ, तेरी माँ बस कैमरा के आगे बैठ के जो है ना बस स्पीच
स्पीच दे सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया भी, क्योंकि अभी तो व्यूज कम हो गए तेरी माँ का, है कि नहीं है? तेरी माँ को तो व्यूज बड़ा नहीं है, क्योंकि भाई 8.5 लाख लोग हैं लेकिन 1 लाख लोग भी नहीं देख रहे। इससे पता चलता है कि तेरी माँ कितनी जेनुइन है, तेरी माँ का चैनल कितना जेनुइन है कि नहीं? तो दूसरों का चैनल बंद करवाने से पहले कहीं ऐसा ना हो सब मिलकर रोज तेरे को रिपोर्ट मारने लग जाए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं सबको बोल रही हूँ मारो उसके चैनल पर जाके रिपोर्ट। अब तो मैं दिन में 100-100 बार मारूंगी, जब जब मोबाइल हाथ में लूंगी, जब जब मैं और मेरी सहेलियाँ जब जब मोबाइल में हाथ में लेंगे ना, तब तब उसकी चैनल पे रिपोर्ट ही मारेंगे। भाई मैं तो मारने वाली हूँ, और जो जो इसको पसंद नहीं करता चाहती है यूट्यूब से हट जाए। मैं तो बोलता हूँ हर वीडियो में रिपोर्ट मारो, हर वीडियो में। वो बोबली का नया चैनल खोला है ना, उसके उसमें भी रिपोर्ट मारो, मैं तो बोलती हूँ, ताकि उसका चैनल ही बंद हो जाए। और राज और हमारा चैनल बंद करवाने का बेटा तू ना भी रही ना, तो हम डेली व्लॉगिंग करके कमा लेंगे। हम ओपन बुक है, तेरे तो नंगा नहीं पति नहीं करता, हम डेली व्लॉग करके कमा लेंगे भाई। तो मैं सबको बोल रही हूँ, जो जो उसकी माँ को तो नापसंद करने वाले बहुत है, हमारे ग्रुप में ही बहुत है, जो जो उसको पसंद नहीं करता ना, प्लीज उसकी माँ के चैनल का जाके बार बार रिपोर्ट मारो। अगर बोबड़े ने खोला है ना, तो उसके चैनल पर भी मैं खासकर मेल भेजूंगी, मेल तेरी माँ के और तेरे चैनल के लिए। आई स्वेयर बता रही हूँ, आज रात को जब बच्चे मेरे सो जाएंगे ना सुकून से, मैं मेल भेजूंगी, मेरे दोस्तों से भी मेल भेजाऊंगी। तेरी माँ नहीं भी रही ना, तो भी हमारा दुकान तो चलने ही वाला है, और वैसे भी चल रहा है। एक वीडियो अगर तेरी माँ का डाल दो, एक वीडियो डेली ब्लॉग का डाल दो, तो उसमें भी कमाई हमारी हो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन तुझे ये नंगा बंदी कर रहा कारी, तो इससे तो हमारा चैनल तो बंद नहीं करवा सकता, इसीलिए मैंने डेली ब्लॉगिंग चालू की। बेटा तू अगर पढ़ा लिखा है तो हम भी पढ़े लिखे, हम कॉन्वेंट स्टूडेंट है, मगर तुम लोग ऐसा वेट एंड वॉच। पूरी इंग्लिश तो तेरे को बोलनी भी आती नहीं है अनपढ़ लौड़े, तेरे को तो पूरी इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, बस इक्का दुक्का एक वर्ड अपनी माँ की तरह बोल लेता। जहाँ पे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना होगा, फ्लुएंटली इंग्लिश है, तू बात भी नहीं कर सकता अनपढ़। तू कौन से स्कूल से पास किया, पास आउट है, वो तो हम सबको पता है। कौन सा ग्रेड तेरे को मिला, वो भी हम सबको पता है। जानते छोड़, तेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है तेरी और तेरी माँ का, वो सबको पता है, चर्सी रशनी गंजारी। लेकिन जो तू ये कर रहा है ना, आई स्वेयर मैं बोल दूँ, इसका तो तेरे को मैं तेरे को दूंगी भाई, क्योंकि तूने ना बहुत गलत इंसान से पंगा लिया। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बंगाली मैं इतनी आसानी से, गुज्जू और बंगाली ना इतनी आसानी से लोगों को छोड़ते नहीं है। और दिमाग तेरे पास है ना, तो दिमाग मेरे पास भी है, तो तू गया बेटा। और तुझे अगर लग रहा है ये सब करके तू अगर मेरे चैनल को बंद करवा सकता है, बाकियों के चैनल को बंद कर सकता है ना, सबके दो दो चैनल है हिमाचली का, मुझे पता नहीं नूरापा का है, नाजो का है, मेरा है, सबके दो दो है, तो किस किस के चैनल बंद करवाएगा? ये चैनल बंद करवाएगा, वो चैनल खोलूंगा मैं, पैसा देके मोनेटाइजेशन करवा के, सैलरी आएगी 3,500 रुपये दूंगी, मोनेटाइजेशन करवा लूंगी, फिर हो जाएगा कमाई चालू। वैसे ही इसमें व्यूज आते, उसमें भी व्यूज आएंगे। नूरापा का भी दो दो चैनल है, दोनों मोनेटाइज है, नाजो का भी है, हिमाचली का पता नहीं, बाकियों का भी है, तो किसका किसका कितना चैनल बंद करवाएगा? बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है तू और तेरी माँ बेटा, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है तू इस बात, बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही है। बस मुझे भोबले को बोला था, क्योंकि अब जो है ना, मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, मेरे कमेंट वीडियो से कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी कमेंट करा लेकिन कमेंट नहीं है। मुशाबा के साथ मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी, मुशाबा बोल रही थी मैंने कमेंट किया तुमने डिलीट कर दिया, और हालांकि मुझे पता भी नहीं कब डिलीट होता है। मैंने यूट्यूब से, इंस्टा से भी, आजकल जो है ना मेरे इंस्टा पे भी, उस दिन मैंने, मेरे एक सब्सक्राइबर है मेरी बहन जैसे किडनी बहन को, मैंने इतना लंबा चौड़ा एक मैसेज भेजा, भेज के मैं ऑफलाइन हो गई, मैं अपने काम पे लग गई, मैं मतलब आ जा रही थी, वापस जाके देखा तो वो मैसेज ही डिलीट हो गया। ऐसा कई बार मेरे साथ हो रहा है, और यूट्यूब में तो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है, फ्रीक्वेंटली कमेंट डिलीट हो जा रहा है। इससे लोगों को लग रहा है कि मैं डिलीट करूँ, भाई मेरे को सपोर्टर की कमेंट डिलीट करके कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन ये सब जो है ना, मेरे चैनल पर कोई और लॉग इन कर रहा है, लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, वो तो 2 स्टेप वेरीफिकेशन मेरे चैनल पर, तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहे, हैक नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर एक्सेस मेरे हाथ से उड़ जा रहा है, 4-5 बार लॉगिन की कोशिश करने के बाद एक्सेस जो है एक दिन बाद मुझे मिलता है। बीच में मैंने एक दिन मेरे वीडियो नहीं डाला था, एक दिन बाद मुझे एक्सेस मिलता है। मैंने मेल भेजा, इतना कोशिश की, तब जाके मुझे पासवर्ड चेंज किया, तब जाके मुझे एक्सेस मिला। कमेंट डिलीट हो जा रहा है, वीडियो येलो डॉलर आ रहे हैं, ग्रीन डॉलर नहीं आ रहा है, ये क्या तमाशा लगा के रखा है क्या तुम लोगों के? आराम से चैनल बनाएगा, ठुमके ऐसे यूं करके मुजरा दिखा के क्या चैनल बनाया क्या मेरे पति के साथ मुजरा दिखा के? अरे भाई हम मेहनत से बोलते हैं, मेहनत से, बच्चे इधर खेल रहे हैं, हम इधर बोल रहे हैं, आंखों के सामने बच्चों को भी देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आई बात समझ में, तुम लोगों के से ना हराम के जने हैं, ना हराम का जना हमने, और ना हराम की जिंदगी, ये फटा हुआ पुराना नाइटी पहन रहे, लेकिन इज्जत का पहन रहे, इज्जत का। आई बात समझ, बोबले तू तो गए, तू और तेरी माँ तो गए, इतने सारे लोगों से पंगा लेके तो तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम लोग तो सर्वाइव नहीं।